नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेस्टाशॉप इंस्टॉलेशन ऑन लोकल होस्ट। तो अगर आपको प्रेस्टाशॉप इंस्टॉल करना है आपके लोकल होस्ट मशीन पे, तो सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास प्रेस्टाशॉप 1.7 ऑनवर्ड्स या फिर कोई भी आप जो लेटेस्ट वर्जन है प्रेस्टाशॉप का, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए लोकल होस्ट पे। सो ये करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा prestashop.com पे, prestashop.com। ओके, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड में जाके वो लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके रखना है आपके पीसी के ऊपर। ओके, उसके बाद में अभी जो करंट वर्जन है वो 1.7.6 है, 6 और 7 समथिंग। ओके, सो जैसे ही आपने वो डाउनलोड कर लिया, जैसे अभी मैं यहाँ पर जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करके आई कैन going to downloads। download prestashop। और आप बस इसको एग्री कर देना। न्यूज़लेटर आपको अगर चाहिए तो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमेल भी नहीं डाला देन ऑल्सो आपके पीसी पे डाउनलोड आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो ये जब आपका हो जाएगा देन यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। ओके, प्रेस्टाशॉप 1.7.6 एंड इसके अंदर ये तीन फाइल्स होंगे। ओके, सो ये तीन फाइल्स एग्जैक्टली क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले index.php एंड ये install.prestashop, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट सिंपल। बट index.php क्या करता है, जब आप ये तीन फाइल्स आपके htdocs के फोल्डर के अंदर डालते हो, XAMPP के htdocs फोल्डर के अंदर डालते हो और फिर आप ब्राउजर में जाके उसको रन करते हो, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक इंस्टॉलर चालू हो जाता है प्रेस्टाशॉप का। सो यहाँ पर जो काम आप एक्सट्रैक्ट करोगे एंड जो मैन्युअली करोगे वो सारा प्रेस्टाशॉप ऑटोमेटिकली कर देता है इन द बैकग्राउंड। ओके, तो अभी हम वो एग्जैक्ट चीज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस्टाशॉप के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर हम आए कैसे। देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर आने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। डायरेक्टली आपने अगर ओपन किया आपके लोकल होस्ट में तो 500 का एरर आएगा ही। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले कोई भी फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट मत करो एंड डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना है ब्राउज। सो इन माय केस मेरे पास अभी XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs और उसके अंदर मेरे पास अभी एक फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर पेस्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा htdocs का फोल्डर प्रेस्टाशॉप के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगा और अगर आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी वजह से बेटर ऑप्शन है कि ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स। सो इन माय केस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर कॉल्ड प्रेस्टाशॉप। उसके अंदर जाके आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये मेरा एक्सट्रैक्शन हो गया है। नाउ आई विल क्लोज दिस विंडो। ओके, एंड सेकेंडली विल स्टार्ट XAMPP। तो अगर आपने XAMPP इंस्टॉल किया होगा एंड उसके बाद में जब आप यहाँ पर सर्च कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो डू नॉट री इंस्टॉल द XAMPP, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, इधर मुझे दिख नहीं रहा है, they again went to the XAMPP exe file, they again reinstall this thing, और ऐसे करके आपके C drive में multiple XAMPP के instance बन जाते हैं। So please avoid that and search for XAMPP into your C drive. So C drive में जाके यहाँ पर भी देखिए XAMPP नाम का एक folder है। अभी ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये मेरे backups है कुछ, तो आप इस तरीके से भी कुछ अगर backup रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो थोड़ा रीनेम करके, बट द रियल नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज ओनली XAMPP। ओके, तो यहाँ पर जाके अगर आपको वहाँ पर ये सर्च करने में नहीं दिख रहा है, सो वेयर यू कैन सी द कंट्रोल पैनल, सो हियर यू कैन सी द कंट्रोल पैनल। ओके, इनसाइड XAMPP फोल्डर XAMPP कंट्रोल करके एक यूटिलिटी है, एक exe फाइल है, वहाँ पर जाके आपको ये दिख जाएगा। तो ये मैंने पहले से ही चालू करके रखा था, इसकी वजह से यहाँ पर स्टार्ट है, मतलब चालू दिख रहा है आपको 80 पोर्ट पे और 3306 MySQL पोर्ट पे।
So, अगर आपके केस में अगर ये चालू नहीं होगा, you have to just click on the start button and this thing is done. Second most important thing, यहाँ पर ये आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, because ये एक extension enable करना है PHP INI फाइल में, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं. So, उसके लिए करना है हमें configuration के ऊपर click from Apache application, Apache यहाँ पर आपको दिख रहा है वो, यहाँ पर PHP INI फाइल होगा, उधर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आके कंट्रोल एफ दबाना है, INTL ये सर्च करना है. फिर से मैं बता देता हूँ, कंट्रोल एफ दबाना है एंड उसके बाद में INTL इस पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है एंड एंटर. जनरली आपके केस में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. सो यू हैव टू रिमूव दैट एंड इसको क्लोज करके इसको सेव कर देना है एंड फिर सेव हो जाने के बाद में मेक श्योर दैट दिस थिंग इज सेव्ड, यू क्लोज दिस फाइल एंड उसके बाद में यहाँ पर स्टॉप करो एंड स्टार्ट करो. सो दिस इज बेसिकली यू हैव एनेबल्ड वन एक्सटेंशन इन PHP, ठीक है. दिस इज इट, अपने को अभी बेसिक प्री रिक्विजिट, नाउ वी हैव दैट बेसिक प्री रिक्विजिट टू गेट स्टार्टेड विद प्रेस्टोशॉप इंस्टॉलेशन. ओके, तो अभी क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए एंड जस्ट ओपन योर लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टोशॉप. अभी ये फोल्डर हमने बनाया था जब हमने वो prestashop.zip फाइल जो है एक्सट्रैक्ट किया था, तो वो टाइम पे अपने XAMPP फोल्डर htdocs के अंदर prestashop नाम का फोल्डर है, दैट इज व्हाई दिस विल बी देयर. और जैसे ही हम ये करेंगे, अभी आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है एंड एवरीथिंग इज देयर, और अगर आपके वर्जन के लाइक ओल्ड वर्जन है, देन इट विल ऑल्सो आस्क यू टू यू नो इफ देयर इज अ न्यू वर्जन यू वॉन्ट टू डाउनलोड इट और नॉट. सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो करो, बट अननेसेसरली बहुत ज्यादा टाइम जाएगा उसमें. सो बेटर ऑप्शन इज अपने पास जो है विल ओके विद दैट, नो थैंक्स. और जैसे ही आप ये करोगे, देन ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. नाउ इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये एक्चुअली नहीं है, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. ओके, तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा, तब आपके प्रेस्टोशॉप डायरेक्टरी में क्या दिखेगा वो हम अभी देखते हैं. देखिए अभी htdocs में जा रहे हैं, प्रेस्टोशॉप में जा रहे हैं. अभी देखो ये सारे एक 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 करके सब फोल्डर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होने चालू हो रहे हैं. यहाँ पर जो है zip फाइल, उसको ही ऑटोमेटिकली ये index.php जैसे मैंने बताया था, ये उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड जैसे ही 100% हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन की स्टेप चालू कर देगा. ओके,
ऑल राइट, तो अभी ये 100% हो चुका है एंड अभी ये रिफ्रेश होके इंस्टॉलर चालू कर देगा ऑटोमेटिकली. सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल. यस, सो वी आर ऑन द इंस्टॉलेशन असिस्ट. ओके, तो पहले जो हमने देखा था वो एक्सट्रैक्शन असिस्ट था और ये जो है वो इंस्टॉलेशन असिस्ट है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट यूज दिस सिंपल नेक्स्ट 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 एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस इंस्टॉलेशन. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यस, कंटिन्यू. उसके बाद में आ गया आपका एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस. नेक्स्ट, अभी यहां पर आपको सिस्टम कंपैटिबिलिटी हमारा हमने सेट किया था, इसकी वजह से इट डजंट शो यू एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेज. बट अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि कोई अगर यू नो INTL एक्सटेंशन एनेबल नहीं होगा या फिर कुछ और भी गड़बड़ होगा, तो यहां पर वो दिख जाएगा. सो ऑटोमेटिकली इट मूव्स टू द store information page. okay, now here it is definitely said that ki apna system compatible because we have changed something in the system, right? abhi yahan par aane ke baad mein aap dal do aapke store ka naam, to mere case mein main bas mera naam dal raha hu, aur uske baad mein fir aapko jo activity select karna hai, so ye activity se koi bhi internal changes hone wale nahi hai, don't worry about that. so main yahan par just computer hardware likh raha hu. now I am belonging from india, so india select kar raha hu and उसके बाद में फिर नाम एंड देन द ईमेल आईडी एंड देन द पासवर्ड. सो पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एंड मेक श्योर दैट यू विल नॉट फॉरगेट दिस पासवर्ड. ओके, सो ये आप नोट करके रखना आपके पास, जब आप अपने इसमें डालोगे तभी. एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे देन यू विल बी यू नो आस्किंग फॉर डेटाबेस. सो डेटाबेस अभी यहाँ पर आपने अगर टेस्ट योर डेटाबेस कनेक्शन किया तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ एरर दे देगा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू ओपन localhost स्लैश php माई एडमिन. ओके, सो php माई एडमिन, दिस इज लाइक यूर डेटाबेस यू नो एप्लीकेशन. और यहाँ पर आने के बाद में इधर आपको एक न्यू का लिंक मिलेगा, बटन मिलेगा, उधर क्लिक करना है. दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, राइट? सो अभी मेरे केस में मैं क्या डाल रहा हूँ, prestashop करके एक फोल्डर ये डेटाबेस बना लेता हूँ, prestashop db. ओके, एंड बाजू में आपने जो देखा था वहाँ पर आपको कोई ड्रॉप डाउन में कुछ चेंजेस करनी नहीं है, जैसे मैंने ये इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको नाम डाल के क्रिएट करना है या फिर एंटर दबाना है. सो दैट्स इट. ओके, अभी ये जो डेटाबेस है इस डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर डालना है डेटाबेस नेम में. तो मैंने prestashop पहले से ही था, जस्ट db लिख दिया. नाउ डिफॉल्ट व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग ऑन योर लोकल होस्ट, रूट इज द यूजर नेम एंड फिर यहाँ पर आके पासवर्ड आपका जो रहेगा वो ब्लैंक होना चाहिए एंड फिर आप टेस्ट योर डेटाबेस कनेक्शन करो. डेटाबेस इज कनेक्टेड एंड देन यू क्लिक ऑन दिस थिंग. अभी यहाँ पर क्या चेंज करना है, कुछ नहीं, बस ये सेम रख दो जो है वो. ओनली थिंग यू हैव टू चेंज इज दिस एंड दिस. ओके, यहाँ पर अगर आपने कोई ऑटो फील्ड में पासवर्ड डाल के रखा होगा तो उसको रिमूव करो इफ यू आर वर्किंग ऑन लोकल एनवायरमेंट. सो ये हो जाने के बाद में नेक्स्ट and this will start the entire installation process. so ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा. लेकिन after this process you will be able to see back office login link and front office login link. okay, so we'll just wait for a while.
ओके सो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर. दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. तो अभी यहाँ पर भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन वो वीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव कनेक्टेड टू अ सिक्योर एंड प्रॉपर नेटवर्क, देन ओनली दिस थिंग विल वर्क. ऑल राइट, सो इसको नेक्स्ट कर देते हैं, सेव कर लेता हूँ. एंड बिकॉज ये क्या होता है एक्चुअली, when you select an English language or any other language, so it is actually going over the internet and downloading that particular language. और ये download कहाँ से करता है, उसकी एक centralized repository है जो prestashop की, वहाँ से वो एक EN pack करके रहता है language का, बाद में you know ENG and all that stuff, जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है and all that stuff. So वो वहाँ से वो पूरा language का package download करता है and then only this particular thing goes to the next step. Now, here is the thanks. Okay. अभी एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है. All right. And if you want to really see the things कि वो network का इस्तेमाल कर रहा भी है या नहीं, तो यहाँ पर आप task manager में जाके check कर सकते हो कि ये actually कौन कितने level का internet use कर रहा है. तो देखिए यहाँ पर अभी एक search आया है 8KB, तो ये basically कुछ कुछ level पे internet का इस्तेमाल कर भी रहा है. Because अभी मेरे computer के ऊपर तो कोई भी ऐसा application नहीं चल रहा है जो background में चल रहा होगा, या फिर you know using some any other background process जैसे WhatsApp, Skype and all that stuff. Email भी configure नहीं किया मैंने यहाँ पर, but this is exclusively and exclusively taking by PrestaShop installation. Okay, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो, शायद process में वो भी दिख जाएगा. तो ये देखिए network Chrome browser जो है that is going to take some of the, यहाँ पर अभी बैकग्राउंड में तो ढेरों एप्लीकेशंस है, बट स्टिल दिस थिंग शुड बी टू एंड फ्रो. अभी देखिए डाउनलोड यू नो डिफॉल्ट शॉप एंड लैंग्वेज वाले प्रोसेस पे आ चुका है. अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर. MB देखा, सो बेसिकली इट इज actually going over internet and downloading that stuff, right? So this thing is also clear right now. कि अगर internet connection weak होगा तो फिर this will not work. It has to be a good connection with a good speed, okay? और minimum जैसे रहता है वैसे. That's it. We are now going and populating the database, right? So we are almost done with the installation, configuring shop parameters, installing modules. So PrestaShop is all about modularity and you know you have various modules. So we'll see in the upcoming videos in that case. But abhi ke case mein we are just going through a very basic installation step on the localhost. So if you are doing this with जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसी तरीके से आप अगर अपने पीसी के ऊपर भी कर रहे हो, एंड इफ यू गॉट सम एरर्स जस्ट टेक अ स्नैपशॉट एंड ड्रॉप मी इन माय ईमेल. ओके, सो वी विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन ऑन दैट. एंड अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी डाउट्स हो, देन यू कैन जस्ट यू नो कमेंट मी बिलो एंड विल रिप्लाई ऑन दैट. सो दिस इज नाउ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप, इंस्टॉलेशन एड ऑन मॉड्यूल्स. And once it is done, we will be ending up with the login screen. That is basically those, you know, admin panel and front office.
परफेक्ट. सो नाउ वी हैव बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस. ओके, जैसे मैंने बताया था, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे डिस्कवर योर स्टोर, देन यू विल बी एबल टू सी योर कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी फॉर यू. ऑल राइट, एंड यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, देन यू विल बी फर्स्ट यू नो डिस्प्ले सम एरर. वाई? बिकॉज यू हैव एन इंस्टॉल फोल्डर देयर. ओके, तो वो पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा या फिर आप रीनेम करो, नॉट अ प्रॉब्लम. सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट. सो दिस इज योर कंप्लीट स्टोर. ऑल राइट, एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल. या हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कौन कौन से मॉड्यूल्स है, थीम है, प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज एंड ऑल दैट स्टफ. सो अभी के केस में बस हम क्या करना करना जरूरी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आके इंस्टॉल फोल्डर जो है, इधर उसको आप डिलीट कर दो या फिर रीनेम कर दो. सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. डिलीट एंड देन विल गो ऑन दिस पेज. जैसे मैंने अभी रिफ्रेश किया था तो ये वाला मुझे एरर आया है. नाउ व्हेन आई रिफ्रेश वंस अगेन, परफेक्ट, वी गॉट इन टू अवर डैशबोर्ड. ऑल राइट, सो यहाँ पर आके विल जस्ट लॉग इन विद द सेम डिटेल्स विच वी हैव एंटर्ड, एंड देन वी गॉट एक्सेस इन द एडमिन पैनल. ऑल राइट, परफेक्ट. सो अभी यहां तक हमने इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द इंटरनल फीचर्स ऑफ प्रेस्टोशॉप एडमिन पैनल 1.7.6. सो अभी तक आपके पीसी पे ये प्रोसेस अगर हो रहा है और इसमें कुछ एरर्स आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए. विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एंड विल मूव फर्दर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, बिकॉज ये पूरे सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोस देखने वाले हैं, बहुत सारे फीचर्स देखने वाले हैं प्रेस्टोशॉप के. सो बेल आइकॉन अगर आपने दबाया तो यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट. थैंक यू.